चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे पहले न्यू एपिसोड यहां अपलोड होगा। ग्रीष्मा कैपिटल के पार्टनरशिप कैंसिल करने के बाद मार्केट में ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी की बुराइयां होने लगी थी। सभी को लगने लगा था कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ थी, जिसकी वजह से ही ये पार्टनरशिप कैंसिल हुई थी। इसकी वजह से ग्लोबल अथॉरिटीज के सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए। सिद्धार्थ ने अपने कंपनी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा था ताकि नुकसान कम कर सके, लेकिन इससे पहले कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी अपने इस नुकसान को कम करने के लिए कुछ कर पाती, एक और बड़े झटके ने उनका स्वागत किया। खबर ये थी कि एक और बड़ी गेम कंपनी जो ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के साथ गेमिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी थी, उसने एक नया गेम लॉन्च किया था। गेम का नाम था वर्ल्ड ओवरलॉर्ड। इस गेम ने लॉन्च होने के बाद से ही तेजी से दुनिया भर में धूम मचा दी थी। यहां तक कि उसने ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के दोनों गेम वेस्टर्न सेंचुरी और ओरिएंटल सेंचुरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था और सक्सेसफुली वर्ल्ड के बेस्ट गेम में फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया था। बहुत सारे लोगों ने इस गेम की तारीफ करना शुरू कर दी थी। ये खबर जल्दी ही ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के लिए ग्रीष्मा कैपिटल के साथ पार्टनरशिप टूटने की न्यूज के बाद एक बड़ा झटका साबित हुई थी। एक प्लेयर ने लिखा था, हे भगवान, मुझे तो अब तक लगता था कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी का वेस्टर्न सेंचुरी सबसे ज्यादा शानदार गेम है, लेकिन वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम खेलने के बाद तो मुझे लगने लगा है कि इससे ज्यादा अच्छा गेम कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अब तक इससे शानदार कोई और गेम खेला ही नहीं है। पता नहीं किसने ये गेम बनाया है, ये बिल्कुल परफेक्ट गेम है। इसे बनाने के लिए डेवलपर्स ने कितनी मेहनत की होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन सभी डेवलपर्स की तारीफ कैसे करें। एक और प्लेयर ने लिखा, ये बहुत ही शानदार गेम है, मैं इस गेम को खेलने के लिए जिंदगी भर भी घर पर बैठा रह सकता हूँ। एक और प्लेयर का कमेंट आया, मैंने सुना है कि इस गेम को बनाने के लिए स्टॉर्म कंपनी ने कई साल लगाए हैं और फिर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। इस गेम को बनाने के लिए हजारों प्रोग्रामर्स की मेहनत लगी है। हे भगवान, सच बताऊं तो ये गेम नहीं है, एक मास्टरपीस है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंटरनेट पर वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम के लिए कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। हर कोई वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम की तारीफें कर रहा था। यहां तक कि ये गेम वर्ल्ड ओवरलॉर्ड वेस्टर्न सेंचुरी और ओरिएंटल सेंचुरी के बाद पूरे ऑनलाइन गेम की दुनिया में हॉट टॉपिक बन गया था। हर कोई स्टॉर्म कंपनी की 10 साल की कड़ी मेहनत से बहुत ज्यादा हैरानी में था। उसने जो ये शानदार गेम बनाया था उसकी मदद से स्टॉर्म कंपनी फिर से गेमिंग सेक्टर में अपने पुराने नंबर वन की कुर्सी पर वापस लौट आई थी। ये सब ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के लिए एक बुरा सपना था। इस बारे में पता चलते ही हवन ने तुरंत ही सिद्धार्थ के केबिन की तरफ दौड़ लगा दी। सिद्धार्थ अभी तक पार्टनरशिप कैंसिलेशन वाले मैटर में उलझा हुआ था। वो बस इस सब से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी हवन सिद्धार्थ को ढूंढते हुए उसके केबिन में पहुंच गया। हवन की सांस बहुत फूल रही थी। उसे देखकर सिद्धार्थ ने कन्फ्यूजन से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्टर्स ने आने से इनकार कर दिया क्या? हवन बहुत ज्यादा घबराहट में था, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। हवन ने घबराहट से कहा, सर वो हम सर। सिद्धार्थ ने हवन की हालत को देखा तो उसे शांत रहने को कहते हुए दिलासा दिया, तुम पहले गहरी सांस लो और फिर बताओ कि हुआ क्या है। हवन एक मिनट रुककर गहरी सांसें लेने लगा। सांसें नॉर्मल होने के बाद हवन ने धीरे से कहा, सर स्टॉर्म कंपनी ने एक नया गेम लॉन्च किया है जिसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। सारे प्लेयर्स इस नए गेम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने अविश्वास से हवन की तरफ देखा तो उसने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी सर मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपना लैपटॉप ओपन किया और लेटेस्ट गेम के बारे में सर्च किया। इस गेम का नाम तुरंत ही सर्च बार में दिखाई दिया, वर्ल्ड ओवरलॉर्ड। सिद्धार्थ ने गेम को डाउनलोड करके जैसे ही उसे ओपन किया तो सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि ये गेम तो वही गेम था जो ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी ने 2 साल की मेहनत और करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाया था, ग्लोबल हेजेमनी गेम। इस गेम को देखते ही सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने हवन की तरफ देखा तो हवन ने अपना सर नीचे झुका लिया। सिद्धार्थ ने गेम को खेलना शुरू किया तो सिद्धार्थ ने महसूस किया कि ये गेम ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के ग्लोबल हेजेमनी की डिट्टो कॉपी थी। हर एक चीज, हर एक इंसान, इमेज, डेटा
किसी चीज में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सिर्फ इकलौती एक चीज जो बदली गई थी वो ये था कि सिद्धार्थ और ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी ने जगह जगह इस गेम को अपने पुराने दोनों गेम्स के साथ कंबाइन किया हुआ था। उन्होंने ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के मेन एलिमेंट्स को हटाकर अपने स्टॉर्म कंपनी के एलिमेंट्स डाल दिए थे। ये गेम जब ऑनलाइन लॉन्च हुआ तो इस गेम में ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी का कोई नामो निशान नहीं बचा था। ये पूरी तरह से स्टॉर्म कंपनी का प्रोडक्ट बन चुका था। कहने का मतलब ये था कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी का ग्लोबल हेजेमनी गेम, जिसे ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी ने सालों तक बहुत सारा पैसा, एफर्ट्स और टाइम खर्च करके बनाया गया था, उन्हें स्टॉर्म कंपनी ने इतनी बेशर्मी से चोरी किया था कि कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वो गेम कभी भी ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी का रहा होगा। सिद्धार्थ के लिए तो ये और भी ज्यादा सदमे वाली बात थी, क्योंकि शुरुआत से ही इस गेम के लिए ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी ने पूरी तरह से सावधानी बरती थी। ये गेम कंपनी के टॉप सीक्रेट में रहा था। अभी तक इन्होंने पेटेंट के लिए भी अप्लाई नहीं किया था और ना ही किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन का खुलासा किया था। जब से वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम लॉन्च हुआ था और इसकी इतनी शानदार सक्सेस हुई थी, तब से स्टॉर्म कंपनी द्वारा पेटेंट के एप्लीकेशन की सारी फॉर्मेलिटीज शुरू की जा चुकी थी। अब तक तो फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो चुकी थी, इसीलिए अब ये गेम ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रहा था, बल्कि स्टॉर्म कंपनी का प्रोडक्ट बन चुका था। अब गेम का ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। ग्लोबल कंपनी के कुछ इंटरनल एम्प्लॉई और इंटरनल टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ प्लेयर्स के अलावा किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम एग्जैक्टली ग्लोबल हेजेमनी गेम के जैसा ही था। लेकिन जो भी हुआ हो, इस बात से ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को बड़ा भारी झटका लगा था। ग्लोबल हेजेमनी गेम की चोरी ने पिछले दो सालों के ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के सारे एफर्ट्स को एक मिनट में मिट्टी में मिला दिया था। ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को इस गेम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। साथ ही वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम टॉप सीक्रेट की तरह लिस्टेड किया गया था। सिद्धार्थ और कई मेन शेयर होल्डर्स ही जानते थे कि ये गेम ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी का प्रोडक्ट था, लेकिन ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के मेन इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला गेम सोर्स कोड कैसे लीक हुआ? इस सोर्स कोड के लीक होने से पता चलता था कि ये ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के लिए बहुत भारी झटका था, जिससे उबर पाना शायद ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के लिए नामुमकिन था। यहां तक कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के पास इंटरनली सोर्स कोड के लिए लीक होने की इस दुर्घटना के बारे में पता लगाने का वक्त भी नहीं था। स्टॉर्म कंपनी ने बहुत बुरी तरह से ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के सोर्स कोड को चुरा लिया था और फिर उस गेम को एज इट इज कॉपी किया था। अब जब स्टॉर्म कंपनी ने वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम को लॉन्च कर दिया था, तो उस गेम का ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी से बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो गया था। ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी ने अपने ग्लोबल हेजेमनी गेम की वजह से बहुत सारी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर दिया था। इस गेम की चोरी और लॉन्च होने के साथ ही ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो करोड़ों डॉलर खर्च करके इस गेम को तैयार किया था, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस बात का कोई नतीजा नहीं निकला था। ये न केवल ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी की सक्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि बैंक ने ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का लोन दिया था और अब वो लोन भी मुश्किल में पड़ गया था। बैंकों की हालत ये होती है कि जब आप अच्छी कंडीशन में होते हैं तो वो आपको पैसे उधार देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं तो वो लोग सिर्फ अपने पैसे की चिंता करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सरवाइव करने के लिए किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनका मतलब सिर्फ अपने पैसे से होता है। जब से ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज सामने आई थी, उसके अगले दिन से ही बैंक ने लोन रिकवरी का रिमाइंडर ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को भेज दिया था। बैंक रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी में आए और उन्होंने सिद्धार्थ से मिलने के लिए कहा, और फिर सिद्धार्थ के केबिन में जाने पर उन्होंने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, सर, आप मार्केट की खराब हालत और ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के बारे में फैलने वाली अफवाहों के बारे में तो जानते ही हैं। अगर हालत इतनी ज्यादा खराब है और ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी बैंक का लोन चुका सकते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, वैसे तो आपको लोन की रिकवरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी रकम टाइम पर मिल जाएगी। ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी अभी भी अपनी पुरानी पोजीशन पर ही है, हम लोग शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करते रहेंगे। ये ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर थी।
ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के बारे में जबरदस्त नेगेटिव न्यूज ट्रेंड कर रही थी। इस वजह से नेक्स्ट डे जब अमरीकी शेयर मार्केट खुला तो ग्लोबल कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से गिर गई। एक ही दिन में ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के शेयर्स की कीमत 9.5 बिलियन अमरीकी डॉलर गिर गई थी। किसी भी कंपनी के लिए इससे बड़ा नुकसान कोई और हो ही नहीं सकता था। इस सब का कोई अंत भी नहीं था। अब सिर्फ भगवान ही जानते थे कि इस नुकसान का अंत कहां जाकर होने वाला था। हो सकता था कि कल बाजार खुले और ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे कि रातों रात अनगिनत ऐसी ताकतें पैदा हो गई थी जो ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को खत्म कर डालना चाहती थी, ताकि वो दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। किसी ने एक बार कहा था कि इंटरनेट आईटी कंपनियां दिवालिया होने से केवल एक वीक दूर थी। इसका मतलब ये था कि इंटरनेट टेक्निक तेजी से बदल रही थी और जो बिजनेस एक पल में टॉप पर खड़े थे वो अगले ही पल इतिहास के पन्नों में समा सकते थे, क्योंकि वो वक्त की रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहे थे। इस सब के बहुत सारे उदाहरण थे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण तो ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी थी जिसने इस सेंटेंस को सही साबित कर दिया था। लेकिन ये ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी की सबसे ज्यादा घातक गलती थी। लोन देने वाले बैंकों का मानना था कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी लोन चुकाने में नाकाम होगी, इसीलिए बैंक के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स एक बार फिर सभी के साथ आकर ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के डेस्क पर जमा हो गए थे और उन्होंने तो ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को धमकी देना भी शुरू कर दिया था कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द बैंक का लोन नहीं चुकाया तो वो लोग ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। साथ ही वो इन्वेस्टर्स भी जो कुछ वक्त पहले तक ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे और अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो अब ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी में इन्वेस्ट करके एक पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्हें तो इस बात की खुशी हो रही थी कि उन्होंने ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मन में चाहते थे कि ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी पूरी तरह से खत्म ना हो। इसके अलावा वर्ल्ड ओवरलॉर्ड गेम की पॉपुलैरिटी के साथ ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी के वेस्टर्न सेंचुरी और ओरिएंटल सेंचुरी के प्लेयर्स का नुकसान होना तय हो गया था। साथ ही सोर्स कोड लीक होने के कारण बड़े खेल पर पर्सनल सर्विसेज की धीमी प्रोग्रेस ने एक बार फिर बहुत भयंकर सिचुएशन पैदा कर दी थी। ये सब ऐसा था जैसे कि ये सब कुछ कंट्रोल करने वाला एक ही इंसान था और वो ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को खत्म करने की ठान चुका था। कौन था ये आदमी? कौन ग्लोबल अथॉरिटीज कंपनी को खत्म करना चाहता था और आखिर क्यों खत्म करना चाहता था? अब सिद्धार्थ क्या करेगा? वो इस मुसीबत से कैसे निपटेगा? क्या वो अपनी कंपनी ग्लोबल अथॉरिटीज को बचा पाएगा?